जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियोसिटी जीएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना दिवस के बारे में, या किस दिन मनाया जाता है। तो है 1 मई को मनाया जाता है। देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो यह 1 मई 1960 के हुए विभाजन के फलस्वरूप इसको 1 मई को मनाया जाता है। देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसको बड़ी भव्यता के साथ मनाया जाता है। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया। हम बात करते हैं कि जब बॉम्बे का विभाजन हुआ 1 मई 1960 को, तो इसका विभाजन एक महाराष्ट्र दूसरा गुजरात से हुआ। हम बात करते हैं कि जो महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र भारत में अपना कहाँ स्थान रखता है, तो भारत के पश्चिमी और मध्य भाग में स्थित है। इसकी राजधानी मुंबई, जो कि वर्ल्ड का 6वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। साथ ही साथ में आई का मतलब है इंडिया का सबसे अधिक आबादी वाला भी शहर है। आगे बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात में ही एशियाई शेरों का सबसे बड़ा निवास स्थल है गिर वन। आगे बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो यह इंडिया का पश्चिमी तट पर स्थित है। इंडिया के कहां पर? पश्चिमी तट पर स्थित है। और इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। मतलब इसको महाराष्ट्र और गुजरात को स्थापना दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है कि जब इसका विभाजन हुआ, इसका बॉम्बे का महाराष्ट्र और गुजरात के, तो इसी को याद करने के संदर्भ में इसको मनाया जाता है। हम आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।